सब्सक्राइब कीजिए दस हिमाचली चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, आज मैं अर्की जा रहा हूँ, लाइसेंस की ट्राई है मेरी आज सालघाट में, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम यहाँ से ट्राई ऑर्डर निकालेंगे और सालाघाट को जाएंगे ट्राई देने। 12 बजे से है शायद ट्राई आज। अभी हम सालाघाट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोग ट्राई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कूटी बाइक वाले, तो चलिए हम भी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं सालाघाट पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे आज लाइसेंस की ट्राई है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सालाघाट में कैसी होती है लाइसेंस की ट्राई। पूरी तो ये मेरे साथ Thank you.
मेरे से डर रहा है बहुत। देखिए कैसे बैठा है, आ जा इधर, घर में आऊँ या आऊँ? देखिए डर रहा है, ए ए घुस गया। तो दोस्तों अभी मैं मिट्टी लेने जा रहा हूँ चूल्हे के लिए, अभी 5 बज चुके और अभी मिट्टी लेने जा रहा हूँ, इतनी दूर, कोई 2-3 किलोमीटर दूर है। आ जा रहे अब? मेरा भाई भी जा रहा है मेरे साथ। तो ये है हमारी गुआइनो काऊ शेड इंग्लिश में, और ये मेरी पशु। हाँ तो अस्सी दूंगे, कितने पशु मेरे पास, 4 पशु है। ओ ऊपर जाना मेरे को अभी, ऊपर वाली पहाड़ी में, लास्ट पहाड़ी में। और ये है हमारा बगीचा, तो देख सकते हैं आप क्या क्या उगाया हमने, नींबू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरी लाइसेंस की ट्राई थी, जो कि मैंने पास कर दी है, और 10-15 दिन में मेरा लाइसेंस आ जाएगा। 5 बज गए अभी, इतनी देर ARKI से 4 बजे मैं घर पहुँचा था, अभी सीधे ही मिट्टी लेने जा रहा हूँ इतनी दूर। तो अभी हम अपने खेत में जा रहे हैं, देखते हैं खेत की हालत कैसी है। सुबह शाम जाते रहते इधर, देखिए ये है हमारा खेत, खेत मीनिंग डोरू। ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा गांव कैसा है, ऊपर से देखने में कैसा लगता है हमारा गांव पहाड़ी पर से। ये है हमारा गांव नीचे, और वो सामने वाली पहाड़ी में शिमला है, जो लास्ट में पहाड़ियों पार। तो यहाँ से अभी लोग घास लेकर जा रहे हैं, और हमारा वीडियो पार्टनर मनोज भी अभी आने वाला है, अभी उसने फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ। तो अभी मनोज जी भी पधार गए हैं बेचारा। भाई महाराज कहाँ आए आप, बताइए जरा कैसी थी ककड़ सिंगी? बस एक ही आया? नहीं यार काफ़ी है, बता दो कितनी। देख तो दोस्तों इसे बोलते हैं ककड़ सिंगी, ये आपको वैसे पता तो कहिए कोई होना, आजकल आजकल के बंदों को नहीं होता से पता, हम तो बड़े पुराने बंदे ना, हमारे को तो सब पता है। इसको जलाकर शहर में मिलाकर खांसी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो अब लेट हो गए, अभी हम 2-3 हो गए हैं, तीनों पार्टनर आज इकट्ठे हुए हैं, मतलब जाए आते हैं ऊपर तक मिट्टी लाने, अंधेरा भी होने वाला है अभी थोड़ी। क्या करें, ये देखिए 10 साल पुराना वृक्ष है, ये जैसा फिल्मों में दिखाई देता है भूतिया वृक्ष, बिल्कुल सेम डिटो ऐसा ही है। तो दोस्तों पहले हम अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, फिर हमें कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा यह राय दी गई कि अगर हम अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें तो हमें बहुत से लोग सब्सक्राइब करेंगे, पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि सब्सक्राइब जो है अभी भी थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब 2-4 कई बार तो 0, फिर भी हम प्रयास करते रहेंगे, जैसे कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि मैं गाली देता था, ये इन दोनों का दोष है, ये मुझे बहका देते थे, मेरे पास इधर अपना मोबाइल नहीं, नहीं कोई सीन नहीं। और मित्रों हमें कोई मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करके कुछ मजा नहीं आता, फिर भी हम मजबूरीवश ऐसा कार्य करते थे जो कि हमने त्याग दिया है, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल के पास। यहाँ पर हमारे दादी जी ने
पहले से ही मिट्टी बोरियों में भर कर रख दी है। और ये एक स्थान है जहाँ पर चार रास्ते इकट्ठे होते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का वास भी होता था एक समय पे, और यहाँ से बहुत सी कहानियाँ भी जुड़ी हुई डरावनी। पर फिर भी हम आपको बताएंगे आगे हम कहाँ से मिट्टी लाते हैं। तो यहाँ पर उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सिंचाई के लिए एक टैंक बनाया गया था, परंतु यहाँ पे जल का पर्याप्त मात्रा में ना मिल सका, और जिस कारण ये खाली रहता है ज़्यादातर। यहाँ पर थोड़ी डरावनी जगह है, तो अंधेरा भी काफी हो चुका है, तो चलने में भलाई है। यहाँ पर भूतों का साया नहीं रहता, नहीं ऐसे भूत रहते हैं। अरे रुको माखी भी मैं हूँ, एक तो दो जना फोन देते मांगे थूथनू थाल थाल तो छूटा करो, पकड़ो ही ना अपना फोन। तो तुझसे नाचने लग रहे टाइम को दे चलो दोस्तों, इसी के साथ आप धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नहीं देखने के लिए भी धन्यवाद।